प्रक्रिया को अगर कई बार दोहराने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट अगर हम लोग को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को बचपन में परीक्षण मिलती थी, याद है, टेस्ट में फेल हो गए तो सेम क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग को 10 बार सॉल्व करके लेके जाना होता था। ठीक है, किसी दिन होमवर्क जमा नहीं किए, एक कॉमन बहाना होता था, हम तो लिखे थे लेकिन घर में भूल गए, है ना, तो क्या होता था, टीचर लोग बोलते थे, है ना, 10 बार लिख के आना, तो कैसे करते थे, टिफिन टिफिन बोल के तो 10 टिफिन लेके आना, बताओ कैसे करते थे, कार्बन लगा एक बार लिखे और फोटो कॉपी कर कि 10 पेन कैसे रखे। ठीक है, तो भाई सेम चीज यहाँ पे हम लोग किससे करेंगे, लूप से करेंगे। ठीक है, अब लूप यहाँ पे यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को फ्लो, किसी भी प्रोग्राम का फ्लो या फिर कुछ स्टेप्स जो है हम लोग को बार बार दोहराना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग मान के चलो कि 4 लाइन एग्जीक्यूट कर ली, उसके बाद जो 5वां लाइन है हम लोग को कम से कम 10 बार चलाना है, फिर 6वीं लाइन से फिर कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का अगर हम लोग को प्रोग्राम बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हम लोग बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग का जो प्रोसेसिंग स्टेप्स है वो कम हो जाए। ठीक है, क्या हो जाता है, इसे प्रोसेसिंग स्टेप्स है वो कम हो जाता है। मतलब हम लोग अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट जो है अगर 2 लाइन लिख के अगर 10 बार एग्जीक्यूट करता है ना, 2 लाइन लिखने से अगर उसी चीज को 10 बार एग्जीक्यूट करेगा तो प्रोसेसिंग फास्ट होगा, है ना, क्योंकि उसको 10 लाइन को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही लाइन को कंपाइल करेगा और 10 बार उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, जैसे बचपन में कपड़े यूज करते थे भाई बहन के, याद है, होता था ना, जैसे छोटे भाई बहन, जैसे 2 भाई है, ठीक है, बड़े भाई का कपड़ा वैसे 6-7 महीने में साल भर वैसे छोटा हो जाता था, फिर वो किसको यूज करते थे, छोटे भाई को, फिर एक और है तो वो भी यूज करेगा। ठीक है, जैसे बुक्स करते थे हम लोग, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, एक बार खरीदे और बार बार हम लोग सेम चीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका एडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। हम लोग यहाँ पे कोड को रीयूज करते हैं, क्या करते हैं, रीयूज, हम लोग कोड एक बार लिखेंगे और उसको बार बार यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग लूप्स वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। ठीक है, हम लोग को सेम कोड बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यूजिंग लूप्स वी कैन ट्रैवर्स ओवर द एलिमेंट्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। लूप्स को यूज करके हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में यूज होने वाले, ठीक है, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कौन बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है, होगी क्या बात करना, ठीक है, या तो मैं पढ़ा लूंगा या आप लोग पढ़ा लो, इसमें सब रिकॉर्ड होता है, समझ में। एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज है, कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है, हम लोग को बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, और डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब वो कैसे एक्सेस करेंगे, हम लोग यूनिट नंबर 3 में देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स में। ठीक है, सबसे पहला आता है फॉर लूप, फिर आता है व्हाइल लूप, थर्ड हम लोग देखते हैं डू व्हाइल लूप। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में ऐसा उल्टा उल्टा लिखे रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सिंपल होता है फॉर लूप। ठीक है, क्या होता है, फॉर लूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप ही देखेंगे। ठीक है, देखो फॉर लूप क्या करता है, कुछ स्टेटमेंट को इटरेट करता है, मतलब कुछ स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब उसको सिंटेक्स में आते हैं हम लोग, सिंटेक्स क्या है, देखो सिंटेक्स में यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर।
क्या लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे फर्स्ट पार्ट इस ब्रैकेट के अंदर में सबसे फर्स्ट पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ये बोलता है कि लूप कहां से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सेकंड आता है कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है कि हम लोग कुछ ऐसा कंडीशन देंगे जहां पे वो लूप जाके रुक जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब यह होता है कि कितना स्टेप चलेगा, या तो प्लस में चलेगा या माइनस में चलेगा, ठीक है। तो कितना स्टेप्स हम लोग को चलना है वो यहाँ पे हम लोग बताएंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फिर उसके बाद ब्लॉक हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर जो भी कोड हम लोग को बार बार एग्जीक्यूट करना है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आया? इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है, उसको ये लूप कंडीशन सेटिस्फाई होने तक उसको एग्जीक्यूट करते रहेगा, ठीक है। समझ में आया? जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, तब तक ये लूप चलते रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ लूप रुक जाएगा, ठीक है। अब इसके फ्लो चार्ट में आते हैं, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले लूप इनिशियलाइज होगा, दिख रहा है ना? सबसे पहले क्या होगा, लूप इनिशियलाइज होगा, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन वही पार्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन मतलब ये वाला कंडीशन, ठीक है। कंडीशन कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यहां कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर वापस से कंडीशन के पास चले जाएगा, ठीक है। फिर से कंडीशन क्या करेगा, चेक करेगा, अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब तक चलते जाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये लूप खत्म, लूप चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया पक्का? चलो ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम हम लोग ने बनाया था, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग यहां लिख लेते हैं void। सबसे पहले हमने यहां पे क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आई, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आई, और इसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर लिया स्टार्टिंग। नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। आई हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड वेरिएबल यूज करते हैं लूप्स के लिए, ठीक है। अगर लूप के लिए हम लोग जो भी वेरिएबल यूज करेंगे उसका नाम आई ही रखते हैं जनरली, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी ट्यूटोरियल्स पढ़ लो, बुक पढ़ लो, कहीं पे भी देख लो, आई ही लिखा होगा, ठीक है। आई ज्यादा इजी है याद रखने में भी और समझने में भी, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, इसको इनिशियलाइज हम लोग नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम लोग को लूप के अंदर इसको करना ही है, ठीक है। फिर हम लोग फॉर यूज करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे इस वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। आई को हमने कहां से इनिशियलाइज किया, वन से इनिशियलाइज कर दिया। मतलब ये लूप कहां से स्टार्ट हुआ, वन से स्टार्ट हुआ, और कहां तक जाएगा, टेन तक जाएगा, ठीक है। कंडीशन हमने यहां पे लिखा आई इज लेस देन इक्वल टू टेन, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू टेन, जब तक आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू रहेगी टेन के, तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। और कितना स्टेप चलेगा, आई प्लस प्लस, मतलब आई प्लस वन होते रहेगा, मतलब प्लस वन करके वो लूप चलते रहेगा, एक एक स्टेप चलते रहेगा आगे, ठीक है। अब इसको हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं, तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे करके देख चुके हो, मैं फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, जितने भी लूप्स वाले प्रोग्राम है उसको ड्राई रन करके जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं आई को, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूँ आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू टेन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है,
आई की वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे हम लोग लिखते थे प्रिंट आई, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस, और कोई स्टेटमेंट है क्या? और कोई स्टेटमेंट है? नहीं है। ठीक है चलो, अब देखो सबसे पहले आई कहां से स्टार्ट हो रहा है? वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है वन से, ठीक है। वन इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? पक्का, ठीक है। वन इज लेस देन इक्वल टू टेन, एक जो है वो दस से छोटा है, ठीक है। एक रुपए वाली चॉकलेट जो होती है वो छोटी होती है, और दस रुपए वाला डेयरी मिल्क जो होता है बड़ा होता है, पता है सबको, ठीक है। अब कंडीशन हो गई ट्रू, ठीक है। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई, तो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू क्या है? वन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस से क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। आई की वैल्यू थी वन, अब क्या हो जाएगा? वन प्लस वन इक्वल टू आ जाएगा टू, ठीक है, क्लियर। अब आई की वैल्यू इस स्टेज पे हो गई है टू, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? टू। फिर कंडीशन चेक होगा, टू इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा, तो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू क्या है? टू है, तो टू प्रिंट होगा। फिर उसका टू प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? थ्री। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? थ्री हो गई, ठीक है। आई की वैल्यू है थ्री, थ्री इज लेस देन, थ्री इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा, थ्री प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर, ठीक है। अब आई की वैल्यू हो गई फोर, ठीक है। फोर इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा, फिर उसके बाद आई प्रिंट होगा, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है? फोर है, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, फोर प्लस वन इक्वल टू क्या होगा? फाइव, ठीक है। अब I की वैल्यू क्या हो गई? फाइव हो गई, ठीक है। फाइव इज लेस देन, ठीक है, फाइव इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा, ठीक है। तो यहां आ गया फाइव, पांच बार लूप चल चुका है, ठीक है। फाइव प्लस वन कितना होगा? सिक्स हो गया। अब I की वैल्यू क्या है? सिक्स है, ठीक है। आई की वैल्यू है सिक्स, सिक्स इज लेस देन इक्वल टू टेन, ठीक है। क्या प्रिंट होगा? सिक्स प्रिंट होगा। सिक्स किसकी वैल्यू है? आई की वैल्यू है, ठीक है। सिक्स प्लस वन होगा कितना हो जाएगा? सेवन, ठीक है। अब आई की वैल्यू हो गई है सेवन, सेवन इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? अब किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? आई की वैल्यू है सेवन, ठीक है। फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, सेवन प्लस वन कितना होगा? एट, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? एट हो गई, ठीक है। एट इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ठीक है, ट्रू होगा, और आई की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एट प्लस वन इक्वल टू क्या हुआ? नाइन, ठीक है। आई की वैल्यू है नाइन, नाइन इज लेस देन इक्वल टू टेन, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा, किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? आई की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद नाइन प्लस वन कितना होगा? टेन हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई टेन, ठीक है, वैल्यू है टेन, टेन इज लेस देन इक्वल टू टेन, क्या होगा? ट्रू होगा, टेन प्रिंट होगा, ठीक है। फिर हो जाएगा टेन प्लस वन इक्वल टू इलेवन, वैल्यू हो गई इलेवन, ठीक है। आई की वैल्यू है इलेवन, इलेवन इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स हो जाएगा, और लूप यहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट में हम लोग को क्या मिला? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। लूप कितने बार चला? दस बार चला, ठीक है।
जितने बार आई की वैल्यू बढ़ते जाएगी उतने बार लूप चलते जाएंगे, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये लूप चलते जाएगा। आया समझ में? जब तक हम लोग इस प्रकार का ड्राई रन करके नहीं देखेंगे तब तक ये लूप समझ में नहीं आने वाला, पेजे में जाएगा ही नहीं, पता ही नहीं चल पाएगा कि 1 से लेकर 10 कैसे जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। समझ में आया? फॉर लूप अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखो आउटपुट इस प्रकार का आ रहा है। अब उसके बाद एक प्रोग्राम और, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताओ कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है।